दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इंसानों ने पृथ्वी पर करीब सारे इलाकों को खोज लिया है तो आप गलत हैं, क्योंकि पृथ्वी की भूसपाटी पर तो ऐसी कई सारी गुफाएं हैं, कई रिमोट एरिया है जहां पर हम इंसानों ने आज तक कदम भी नहीं रखा है। लेकिन हम इंसानों के लिए इससे भी ज्यादा दुर्गम जगह एक है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, वो है पृथ्वी के महासागर। हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा इलाका, या फिर यूं कहें कि सबसे बड़ा रहस्य। हम आज हमारी धरती के महासागरों के बारे में सिर्फ 5% ही जानते हैं। महासागरों की 95% दुनिया ऐसी है जिसके बारे में हमें कोई पता भी नहीं है। हो सकता है कि महासागरों की गहराई और उनके अंदर दबे कई रहस्य के बारे में आप अनजान हो। तो चलिए जानते हैं कि कितने गहरे हैं हमारे महासागर, और उसकी हर एक गहराई पर जाने पर हमें कौन कौन सी चीजें मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, हम लगाते हैं गोता और आप पहुंच जाएंगे समुद्र तल की 40 मीटर की गहराई पर, जहां समुद्र का सबसे पहला पड़ाव आता है, और यहां तक लोग स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, और आमतौर पर ज्यादातर स्विमर यहां तक ही स्विमिंग कर सकते हैं। लेकिन दुनिया के जाने माने स्कूबा डाइवर हर्बर्ट नीच 214 मीटर की गहराई में गोता लगाकर रिकॉर्ड कायम किया था, और यह रिकॉर्ड उन्होंने सिर्फ एक सांस में पूरा किया था। लेकिन इनसे भी नीचे इनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए 332 मीटर नीचे तक का रिकॉर्ड अहमद गाबर ने तोड़ा था, और यहां से और नीचे करीब 443 मीटर जाने पर हमें कई प्रकार के समुद्री जीव दिखाई देंगे, और यह गहराई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की हाइट के बराबर है। हम अगर इससे और नीचे 500 मीटर की गहराई में जाते हैं तो यह जगह ब्लू व्हेल मछली की मैक्सिमम डाइव लिमिट है, यानी कि ब्लू व्हेल मैक्सिमम इसी गहराई तक डाइव लगाती है, और यहां से और नीचे 535 मीटर का डीप लेवल पेंगुइन्स की मैक्सिमम डाइव लिमिट है। इस गहराई से नीचे पेंगुइन डाइव नहीं लगाते। चले इससे और नीचे जाते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। यहां से थोड़ा और नीचे जाया जाए और हम पहुंच जाएंगे 700 से 750 मीटर की गहराई तक। यहां पर किसी इंसान का जाना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इतनी गहराई में दुनिया के विकसित और पावरफुल देशों ने अपनी आधुनिक न्यूक्लियर सबमरीन जगह जगह पर तैनात की हुई है। यहां से और नीचे करीब 830 मीटर की गहराई दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा की हाइट जितनी है। यहां से नीचे जाने पर करीब 1000 मीटर की गहराई में जो विस्तार हमें मिलेगा, यह महासागरों का स्केरी जॉन कहलाता है। और इसे स्केरी जॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी बस यहां तक ही पहुंचती है। इससे आगे सूरज की किरणें नहीं जा सकती हैं, और यहां से आगे का विस्तार पूरा अंधेरे में है, और इसके अंदर की समुद्री जीव सृष्टि बेहद रोमांचक और खतरनाक है। इतनी गहराई में कोई भी इंसान बिना किसी उपकरणों के डाइव नहीं लगा सकता है, क्योंकि यहां का वाटर प्रेशर वीनस ग्रह के सरफेस के बराबर है, और इस लेवल पर बिना किसी इक्विपमेंट के कोई भी इंसान पल भर में मर जाएगा। इससे नीचे की 1200 मीटर की गहराई समुद्री कछुओं के लिए डीपेस्ट डाइव एरिया माना जाता है, और गहराई में करीब 2000 मीटर नीचे जाने पर हमें यहां पर बहुत ही अद्भुत, खतरनाक और रोचक जीव सृष्टि दिखाई देती है। लेकिन यहां पर कुछ भी देखने के लिए हमें हाई पावर टॉर्च की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहां पर पाई जाने वाली एंग्लर फिश एक ऐसी प्रजाति है जिसे कुदरत ने ही उसके आगे टॉर्च दे रखी है। इसे लाइट फिश भी कहा जाता है, और इसके मुंह के आगे बायोल्यूमिनेसेंस लर्स लटके होते हैं जो एक टॉर्च की तरह चमकते हैं, और समुद्र की इतनी गहराई में अंधेरे में इस फिश को रास्ता दिखाते हैं। कुदरत भी बहुत कमाल की चीज है। इससे और गहराई में करीब 2200 मीटर के लेवल पर आपको स्पर्म व्हेल दिखाई देगी, और यहां पर आपको द डम्बो ऑक्टोपस भी दिखाई देंगे। ये समुद्री तल के सबसे डीपेस्ट लेवल पर जीने वाले ऑक्टोपस है, और गहराई में करीब 4000 मीटर के समुद्री एरिया में एबिसल जोन कहा जाता है, और यहां का वाटर प्रेशर 11000 पाउंड्स के बराबर होता है, और ज्यादा नीचे करीब 4200 मीटर का डीप लेवल दुनिया के लगभग आम महासागरों का एवरेज डीप लेवल है। लेकिन दुनिया के कई महासागर इससे भी ज्यादा गहरे हैं। समुद्र तल से 6000 मीटर की गहराई को हेडल जोन कहते हैं। यहां का वाटर प्रेशर एक इंसान पर जंबो जेट विमान रखने के बराबर है। यहां से अगर और नीचे जाए तो 8848 मीटर गहराई समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बराबर है।
और नीचे 10,916 मीटर की गहराई का विस्तार वो विस्तार है जहां इंसान सबसे पहले इतनी गहराई तक पहुंचा था। और इतनी गहराई तक जाने वाले विरले डाउन वोल्स और जेक बेगल थे, और इन दोनों ने इतने डीप जाने का रिकॉर्ड सन 1960 में बनाया था। ये लोग उस वक्त की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की सबमरीन के साथ समुद्र की इतनी गहराई में गए थे, और उनको सबमरीन की फास्टेस्ट स्पीड से इतनी गहराई तक जाने के लिए 5 घंटे से भी ज्यादा समय लगा था। और इतनी गहराई में समुद्र के पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उनकी आधुनिक सबमरीन के ग्लासेस भी टूटने लगे थे, और इसी कारण वह महज 20 मिनट से भी कम वक्त वहां पर रुककर वहां से वापस लौट आए। इससे भी और नीचे 10,972 मीटर की गहराई, आसमान में किसी एयरलाइंस हाईएस्ट लेवल पर सफर कर रहे इंसान और पृथ्वी की सतह के बीच के फासले के बराबर है। आमतौर पर हवाई जहाज 10,000 मीटर से 11,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं, और वहां ऊपर से आपको नीचे जो जमीन दिखाई देती है, यह गहराई पृथ्वी की सरफेस से यानी कि समुद्र तल से उतनी ही नीचे है। उससे और भी नीचे 10,994 मीटर की गहराई आज तक की हम इंसानों द्वारा नापी गई समुद्र की डीपेस्ट गहराई है, और इसे द चैलेंजर डीप भी कहते हैं। इस गहराई को वेस्ट पैसिफिक महासागर में मापा गया है, और इस जगह को मारियाना ट्रेंच कहते हैं। पैसिफिक ओशन के अंदर खोजा गया यह पॉइंट आज तक का पृथ्वी पर खोजा गया सारे समुद्र तल का सबसे डीपेस्ट लेवल है, लेकिन माना जाता है कि समुद्र इससे भी गहरा है। लेकिन आज तक हम उन जगहों को खोज नहीं पाए हैं। माना जाता है कि हम इंसान सिर्फ 5% ही समुद्री विस्तार को आज तक खोज पाए हैं, और बाकी का 95% समुद्री विस्तार ऐसा है जहां तक आज तक हमारी नजर नहीं गई। हो सकता है कि भविष्य में हमें और भी गहरे समुद्री लेवल की जानकारी मिले, और ये भी हो सकता है कि हमें वहां पर ऐसे जीव सृष्टि मिले जो हमारे लिए किसी एलियन से कम ना हो, या फिर हो सकता है कि हमें समुद्र में भविष्य में कोई नई दुनिया ही दिख जाए। इंसानियत की खोज आगे भी जारी रहेगी। अगर आपको यह हमारा एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।